हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गौर मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज के लेक्चर के अंदर हम नॉन कॉर्डेट्स के दो फाइलम के बारे में स्टडी करेंगे, नंबर वन एकाइनोडर्मेटा एंड नंबर टू हेमिकॉर्डेटा। तो इनको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करने से पहले हम लोग एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले अगर एकाइनोडर्मेट्स की बात की जाए तो काइनोडर्मेट्स के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम होता है, सिमेट्री रेडियल होती है, सीलोमेट्स होते हैं, सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। एंड डिस्टिंक्टिव फीचर की अगर बात की जाए तो यहां पे वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। याद रखना, पॉरीफेरा के अंदर आपने वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा था, जबकि एकाइनोडर्मेटा के अंदर वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है, एज वेल एज रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से हेमिकॉर्डेट्स की अगर बात की जाए तो हेमिकॉर्डेट्स में ऑर्गन सिस्टम है, बायलेटरल सिमेट्री है, सीलोमेट्स है, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। एंड डिस्टिंक्टिव फीचर की अगर बात की जाए तो वर्म लाइक होते हैं, जिसके पास प्रोबोसिस कोलार और ट्रंक प्रेजेंट होता है। नाउ प्रोबोसिस कोलार और ट्रंक का क्या मतलब है? ये जनरली हेमिकॉर्डेट्स के बॉडी ऑर्गन्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो बॉडी पार्ट्स हैं जो कि इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। ओके, नाउ ब्रीफली हम स्टार्ट करते हैं अब नंबर वन फाइलम, दैट इज एकाइनोडर्मेट्स। एकाइनोडर्मेट्स की अगर बात की जाए तो ये सभी के सभी मराइन होते हैं, जनरली बॉटम में रहते हैं या फिर स्लो मूविंग होते हैं। बॉडी शेप की अगर बात की जाए तो स्टार लाइक होती है। नाउ एकाइन का मतलब होता है स्टार एंड डर्मेटा का होता है लाइक या फिर बॉडी। तो बॉडी शेप आपकी स्टार लाइक हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, मेलन लाइक हो सकती है, डिसलाइक हो सकती है। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है विद बायलेटरल सिमेट्री इन द लावा। लावा के अंदर तो बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है, जबकि एडल्ट के केस में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, पेंटामेरस, रेडियल पेंटामेरस इन एडल्ट। ठीक है, एकाइनोडर्मेट्स जो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे हैव ट्रू सीलोम एंड वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। सीलोमेट्स हैं, आपने अभी देख लिया फीचर, एंड वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट होता है यहां पे, जो कि इनका डिस्टिंक्टिव फीचर है। अ परफोरेटेड प्लेट मेड्री पोराइट परमिट्स एंट्री ऑफ वाटर इन टू एम्ब्लुकल सिस्टम। तो यहां पे इनके पास एक मेड्री पोराइट नाम की एक प्लेट प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जनरली एब्सेंट होता है, तो बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, लेकिन आपके पास एक एक्सेप्शन है, जैसे कि ब्रिटल स्टार, जहां पे इनकम्प्लीट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, माउथ जो होता है इट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड का मतलब होता है लोअर साइड, एंड एनस इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड। अपर साइड को आप बोलते हो डॉर्सल साइड। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जनरली रिड्यूस्ड होता है एंड ओपन टाइप का होता है, और यहां पे कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। इसीलिए इनका जो जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, अमोनिया हो गया, वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही डिफ्यूज हो जाता है। ओके, नर्वस सिस्टम सिंपल होता है काफी ज्यादा एंड लेस डेवलप्ड होता है, इंक्लूडेड आर नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व्स विद सिंपल सेंस ऑर्गन। अगर इनके सेक्स की बात की जाए तो सेपरेट सेक्स प्रेजेंट होते हैं यहां पे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, एंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट से रिजेंबल करते हैं इन दी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, और इनके पास एकाइनोडर्मेट्स की अगर बात की जाए तो एकाइनोडर्मेट्स के पास एक फिनोमिनन प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी क्या होता है? ऑटोटॉमी का मतलब होता है कि स्टारफिश जो है उसके पास ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। स्टारफिश क्या करती है, जब भी उसे लगता है कि कोई प्रेडेटर उसके पास आ रहा है तो वो अपना एक पार्ट को, अपने एक फ्रेगमेंट को तोड़ देती है। स्टारफिश कुछ इस तरीके से दिखती है,
अगर मान लीजिए इसके पास कोई प्रेडेटर आता है, इसके पास एक प्रेडेटर आया, प्रेडेटर ने जैसे ही इसके ऊपर अटैक किया तो ये क्या करेगी, अपना कोई भी एक पार्ट तोड़ देगी। यहां से इसने इस पार्ट को तोड़ दिया एंड ये जो पार्ट है इस पार्ट से ये एक और स्टारफिश फॉर्म हो सकती है, या फिर आप बोल सकते हो हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। तो इनका जो डिफेंस, ये जो पार्ट टूटा है ये आपका डिफेंस में काम करता है, एंड इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिनन को आप क्या बोलते हो, ऑटोटॉमी। ठीक है, अब इनकी क्लासेस की अगर बात की जाए तो आपके पास पांच टाइप की क्लासेस हैं। ऑन व्हाट बेसिस, आर्म्स के बेसिस पे, बॉडी फॉर्म के बेसिस पे, या फिर लावा के बेसिस पे, आपके पास पांच क्लासेस हैं। होलोथ्यूरिडिया, देन आपके पास आ गया एकाइनोडिया, देन आपके पास आ गया क्राइनोडिया, देन इस्ट्रियोडिया एंड देन ओफ्यूरिडिया। ठीक है, तो बॉडी फॉर्म की अगर बात की जाए फर्स्ट क्लास के अंदर, तो यहां पे बॉडी फॉर्म लॉन्ग है एज वेल एज सिलेंडर है। सेकेंड क्लास में ग्लोब्यूलर या फिर डिस्क लाइक है। थर्ड क्लास में प्लांट लाइक होता है। एस्टेरॉइड्स के अंदर आपका स्टार लाइक आ जाता है, मतलब यहां पे आपका स्टार फिश आ जाएगी। ऑफ्यूरिडिया के अंदर आपके पास बॉडी फॉर्म फ्लैट या फिर स्टार लाइक होता है। ठीक है, आर्म्स की अगर बात की जाए तो फर्स्ट और सेकेंड क्लास के अंदर आर्म्स जो होते हैं दे आर एब्सेंट, जबकि तीनों क्लासेस में आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पे यूजुअली फाइव होते हैं एंड थिक होते हैं। ठीक है, एस्टेरोडिया के अंदर आपके पास थिक आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि ओफ्यूरिडिया के पास थिन आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लावा की अगर बात की जाए तो लावा भी इनके, इनकी क्लास का जैसा ही नाम है वैसा ही इनका, इनके लावा का नाम है, तो काफी आसान है लावा का नाम याद रखना भी। जैसे कि होलोथ्यूरिडिया का लावा है ऑरिकुलरिस, एकाइनोडिया के लावा है एकाइनोप्लूट, देन आपके पास आ जाता है क्राइनोडिया, इसका है डोलियोलेरिया, एस्टेरोडिया का है बायपिनेरिया जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओफ्यूरिडिया जिसका लावा है ओफियोप्लूटस। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो फर्स्ट क्लास में एग्जाम्पल है आपके पास कुकुमेरिया या फिर होलोथोरिया जिसे आप सी कुकुम्बर कहते हो। सेकेंड क्लास में आपके पास है एकाइनस, दैट इज नोन एज सी अर्चिन, देन आपके पास है एंटीडॉन, दैट इज नोन एज सी लिली, फिर आपके पास है एस्टियारिस स्टारफिश, एंड नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ओफ्यूरा, दैट इज नोन एज ब्रिटल स्टार। ठीक है, तो ये बात हो गई एकाइनोडोमेटा की क्लासेस की। एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं सी कुकुम्बर, स्टारफिश, सी अर्चिन, फेदर स्टार, ये सारे ही एग्जाम्पल एकाइनोडर्मेट्स के हैं। काफी छोटा सा फाइलम है ये एकाइनोडर्मेटा एज वेल एज हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो फर्स्ट फाइलम आपने कंप्लीट कर लिया। सबसे इसमें, इस फाइलम के अंदर, एकाइनोडर्मेट्स के अंदर एक बार हम क्विक रिविजन लेते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको याद रखना है कि यहां पे बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट थी लावा में एंड रेडियल में जाके ये, एंड एडल्ट में जाके ये सिमेट्री रेडियल हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यहां पे वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि यहां पे ऑटोटॉमी फिनोमिनन प्रेजेंट है, एज वेल एज इसकी जो क्लासेस हैं इनके लावा के नाम आपको याद रखने हैं और एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका खत्म हो जाता है एकाइनोडोमेटा। नाउ हेमिकॉर्डेटा की अगर बात की जाए तो देखो हेमी का मतलब क्या होता है, हेमी का मतलब होता है हाफ और कॉर्डेट्स, तो दैट मीन्स कि ये जो फाइलम है ये हाफ कॉर्डेट्स हैं। ठीक है, तो इनको पहले तो हमने एज अ सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा रखा था, हमने नहीं, साइंटिस्ट ने रखा था, लेकिन अब इनके लिए सेपरेट प्लेस बना दिया अंडर द फाइलम नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, अब ये जो एनिमल्स हैं हेमिकॉर्डेटा या फिर हाफ कॉर्डेट्स, ये एनिमल्स आपके फसोरियल होते हैं। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए बॉडी फॉर्म की तो बॉडी फॉर्म सॉफ्ट होती है जिसके अंदर प्रोबोसिस कोलार या फिर ट्रंक प्रेजेंट होता है। ठीक है, फसोरियल की अगर बात की जाए कि फसोरियल क्या होता है, तो देखो फसोरियल का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो कि एडेप्टेड हैं फॉर यूज इन बरोइंग, जो कि बरो में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, फसोरियल। ओके, नाउ रेस्पिरेटरी पिगमेंट की अगर बात की जाए जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ऐसे रेस्पिरेटरी
पिगमेंट है यहाँ पे वेनेडियम. क्या नाम है रेस्पिरेटरी पिगमेंट का? वेनेडियम. ये आप एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया है तो याद रखना, ठीक है. यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है बाय गिल्स या फिर बॉडी सर्फेस. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है. नोटोकोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि बकल कैविटी के अंदर मिलता है. इसीलिए इस नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को आप बकल डायवर्टिक्यूलम बोलते हो या फिर स्टोमोकॉर्ड बोलते हो. और यहाँ पे ट्रू नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, बस एक नोटोकॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ओके, अब डेवलपमेंट की अगर बात की जाए हेमिकॉर्डेट्स के अंदर, तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट टाइप एंड एनिमल्स हैव टोनेरिया लावा. एनिमल्स के पास टोनेरिया लावा है जस्ट लाइक द बायपिनेरिया लावा ऑफ एकाइनोडर्मेटा. जैसा लावा एकाइनोडर्मेटा के पास है बायपिनेरिया टाइप में, वैसा ही इनके पास टोनेरिया लावा है. एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल में आपके पास एक आ जाता है बेलेनोग्लोसिस, जिसे आप टंग वर्म या फिर एक्रॉन वर्म बोलते हो, ठीक है, नॉर्मल नाम याद रखना. नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेकोग्लॉसिस एंड थर्ड एग्जाम्पल है प्रोटोग्लॉसिस. तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये एग्जाम्पल्स भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है. तो ये बात हो गई यहाँ पे. स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है. एग्जाम में काफी बार स्ट्रक्चर से भी पूछ लिया जाता है कि ये एनिमल कौन सा है या फिर ये किस फाइलम को बिलोंग करता है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको जैसे ही दिख जाए प्रोबोसिस कोलार, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका हेमिकॉर्डेटा है, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर गाइस. आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा. आज हमने दो फाइलम खत्म कर लिए, एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा. काफी छोटे फाइलम है. अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया आपको तो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग. आप मेल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हो. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.